नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तमन्ना और आप देख रहे हैं ओके क्रेडिट। एक बार फिर से आपका स्वागत है एक अच्छे बिजनेस आइडिया के साथ। और बिजनेस आइडिया है पांच ऐसे बिजनेस आइडियाज जो आप बहुत ही आसानी से शुरू कर सकते हैं और इसमें आपको ज्यादा लागत लगाने की कोई जरूरत नहीं है। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं आज का ये स्पेशल एपिसोड। उससे पहले आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और हाँ, बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा। तो चलिए शुरुआत करती हूँ कि कौन से ऐसे पांच बिजनेस आइडियाज हैं जो आपको कम मेहनत और कम लागत में बहुत बड़ा मुनाफा दे सकते हैं। नवीन उत्पादों और नवीन व्यावसायिक विचारों की मांग निरंतर है। तकनीकी नवाचार, जलवायु परिवर्तन, सामाजिक आर्थिक परिवर्तन, नवीकरणीय ऊर्जा में विकास, फिनटेक स्टार्टअप और उत्पाद, एग्रीटेक आदि जैसे कई पैरामीटर ऐसे विचारों को जन्म देते हैं। यहाँ आज हम भारत के शीर्ष पांच आगामी व्यापारिक विचारों की बात करने जा रहे हैं। प्रदूषण मास्क। भारत में अधिकांश शहरी क्षेत्र वायु प्रदूषण के मुद्दे से जूझ रहे हैं। वायु गुणवत्ता सूचकांक बहुत खराब है, खासकर दिल्ली में रहने वाले लोगों के लिए। ये पर्यावरण परिवर्तन महत्वपूर्ण स्वास्थ्य से संबंधित मुद्दों के लिए अग्रणी है, जिससे वायु प्रदूषण मास्क की मांग बढ़ रही है। वायु प्रदूषण मास्क के निर्माण में शामिल एक व्यवसाय के बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि मास्क हॉट केस की तरह बिकेंगे। ये मास्क ऑनलाइन और केमिस्ट और फार्मास्यूटिकल स्टोर पर उपलब्ध कराए जा सकते हैं। ऑनलाइन किराने की दुकान। किराने का सामान सभी घरों के लिए एक बुनियादी आवश्यकता है और व्यस्त कामकाजी जीवन, कार्यक्रम और तटस्थ परिवारों के साथ लोग शारीरिक रूपों से दुकानों पर जाने और किराने का सामान खरीदने के लिए समय पर कम चल रहे हैं। वो किराने का सामान पहुंचाने के लिए सुविधाजनक तरीकों की तलाश कर रहे हैं। ऑनलाइन किराने की दुकान एक सही समाधान है और 30% की वार्षिक दर से बढ़ने का अनुमान है। ऐसा इसलिए क्योंकि अर्थव्यवस्था की स्थिति किराने का सामान की खरीद को प्रभावित नहीं करती है। शुरुआत करने के लिए एक व्यक्ति को वेबसाइट की आवश्यकता होती है जो सभी किराने की वस्तुओं की पेशकश करती है। इस वेबसाइट को उपयोगकर्ता के अनुकूल होना चाहिए ताकि ग्राहक आसानी से लॉगिन कर सके, इन वस्तुओं को चुन सके जिनकी आवश्यकता है और ऑर्डर पूरा करने के लिए भुगतान करते हैं। आप रोटी, अनाज, दूध, बिस्किट आदि जैसी बुनियादी किराने की वस्तुओं के साथ शुरू कर सकते हैं और जैसे कि आपके नेटवर्क और ग्राहक आधार का विस्तार है, आप प्रसाधन और सौंदर्य प्रसाधन श्रेणी के उत्पादों को जोड़ सकते हैं। सेल्फ स्टीयरिंग मग में हम मग को हिलाते हैं और कोई भी पेय पीने के लिए आसानी से तैयार हो जाता है। ये सरगर्मी के लिए एक चम्मच की आवश्यकता को समाप्त करता है। आपको केवल मग में आवश्यक सामग्री डालनी है और इसे गर्म करने के लिए एक बटन दबाना है। इसका बाजार बहुत अच्छा है आने वाले समय में। उत्पाद के रूप में अच्छी तरह से एक महान घरेलू उपहार वस्तु भी है, जिसे आप किसी भी त्योहार में किसी को गिफ्ट भी कर सकते हैं। ऑनलाइन प्रतिष्ठा प्रबंधन, ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट। वो दिन दूर नहीं जब भौतिक उपस्थिति ऑनलाइन उपस्थिति द्वारा ले ली जाएगी। ऐसे समय थे जब लोग इस बात से चिंतित थे कि उन्होंने अपने आप को कैसे चलाया, उन्होंने क्या पहना, उनके शिष्टाचार, उनके सामाजिक व्यवहार, आतिथ्य आदि प्रतिष्ठा शारीरिक बनावट पर निर्भर थी। हालांकि आज प्रत्येक गुजरते दिन के साथ लोग अधिक आभासी हो रहे हैं और ऑनलाइन उपस्थिति महत्व प्राप्त कर रही है। निर्णय एक व्यक्ति की ऑनलाइन उपस्थिति के आधार पर किए जाते हैं। यह ऑनलाइन प्रतिष्ठा प्रबंधन को सबसे आकर्षक भविष्य के व्यावसायिक अवसरों में से एक बनाता है। आभासी वास्तविक यानी कि वर्चुअल रियलिटी। व्यापार के कई क्षेत्र में एक बड़ा व्यवधान पैदा करने वाला ट्रेडिंग तकनीकी नवाचार कोई और नहीं बल्कि वर्चुअल रियलिटी है। इसलिए वर्चुअल रियलिटी गेमिंग या एक्सेसरीज से संबंधित व्यवसाय शुरू करना भारत में प्रत्येक उद्यमी के लिए एक आकर्षक और आने वाले दिनों में अच्छा सा बिजनेस आइडिया है और ये बेहद लाभदायक साबित हो सकता है। हालांकि याद रखने और विचार करने के लिए महत्वपूर्ण बात यह है कि इस व्यापार विचार के लिए बड़े पैमाने पर निवेश की आवश्यकता होती है। तो देखा आपने कि पांच इन आइडियाज पर अगर आप काम करें तो आप, मुझे लगता है कि नौकरी के साथ भी ये काम कर सकते हैं। बस पेशेंस जरूर रखिएगा। तो इसी अच्छे नोट के साथ कि आपके साथ और ज़्यादा बिजनेस आइडियाज लेकर मैं आऊँगी। और हाँ, आप भी कमेंट सेक्शन पर ज़रूर लिखे कीजिए कि आपको हमारे वीडियोज़ कैसे लगते हैं और कौन सा बिजनेस आइडिया आपको चाहिए। हम ज़रूर वीडियो अपलोड करेंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा। आपके बिजनेस का सच्चा साथी।